कैसे गा रहे हैं, इन्होंने तो दरबारी लाल को फेल कर दिया। देख सकते हो भाई ट्रक की शेप ही बड़ी जबरदस्त है यार, क्या बात है। ये भाई तैयार करवाए गए हैं मेरे को लग रहा है यहाँ से, और देख सकते हो। और ये भी एक भाई ट्रक, ये थोड़ा पुराना लग रहा है बट इसको मॉडिफाई किया गया है, देख सकते हो। और यहाँ पर भाई होंडा और रॉयल एनफील्ड और भी काफ़ी जो कंपनियां हैं उन्होंने एग्जीबिशन लगाई हुई है, और देख सकते हो लोग अपनी अपनी जो 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 भी बाइक है लोगों के पास भाई लेके आए हैं यहाँ पर। यहाँ पर ना एक और चीज़ है, यहाँ पर गाड़ियों के अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं बेस की, और अभी आपको शायद बेस की थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी, यहाँ पर म्यूजिक चल रहा है। और लोग क्या है यहाँ पर ना गाड़ियाँ तैयार करवाते हैं, जैसे ये ट्रक है ना वैसे ट्रक तैयार करवाते हैं, और उनमें बहुत बड़ी बड़ी बेसें लगाते हैं, और वो भी आपको भी दिखाता हूँ। और ये हर साल में एक बार ये वाला मतलब फेस्टिवल आता है। कैसे गा रहे हैं, इन्होंने तो दरबारी लाल को फेल कर दिया। अभी मैं जा रहा हूँ आपको दिखाने, यहाँ पर जो गाड़ियों में बेस नहीं लगी होती भाई, आवाज नहीं सुनती बिल्कुल भी। ये देखो भाई आर्ट तैयार करे, क्या बात है। ओ भाई यहाँ पर बंदा 15 मिनट के ऊपर रुक नहीं सकता, इतनी ज्यादा बेस, इतनी ज्यादा साउंड, और उन्होंने सारी गाड़ियाँ एक डीजे के साथ कनेक्ट करी हुई हैं, और सिर्फ एक ही म्यूजिक चल रहा है, डिफरेंट डिफरेंट म्यूजिक नहीं चल रहे। और भाई क्या क्या शौक पाले हुए थाई लोगों ने यार, मतलब कि
कैसी कैसी, अपने इंडिया में ऐसे हो जाए तो भाई सोने ना दे लोग, बट ये सिर्फ थाईलैंड में होता है। जब कोई फेस्टिवल होता है यहाँ पर, जैसे सोंकरान फेस्टिवल होने वाला है बहुत जल्द, अप्रैल में आने वाला है सोंकरान फेस्टिवल, और काफ़ी लोग अपनी गाड़ियाँ निकालेंगे भाई ये वाली, और सोंकरान फेस्टिवल इंजॉय करेंगे और साथ में अपना डीजे चलाएंगे। अभी मैं भाई जा रहा हूँ यहाँ पर, एक इन्होंने अंदर एक बहुत बड़ी मतलब मार्केट बनी हुई है जहाँ से आप परचेस कर सकते हो थिंग्स, मतलब बाइक बाइक के रिलेटेड, जैसे सेफ्टी गेयर्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगे वहाँ पर। और भाई अभी जैसे मैं पार्किंग में गया तो भाई मेरे को लगा नॉर्मल बाइक्स वगैरह पार्क होंगी, और यहाँ पर सारी भाई ज़बरदस्त बाइकें खड़ी हैं, देख सकते हो मेरे पीछे हायाबुसा, और उसके बाद हार्ले, और ये होंडा है भाई, और ये है भाई रॉयल एनफील्ड, और मेरे सामने है होंडा 650, और भाई हायाबुसा वाइट कलर में, और यहाँ पर मेरे आस पास सारी भाई जबरदस्त बाइकें खड़ी हैं, और ये देख सकते हो भाई ये भी एक बाइक है, और ये हार्ले डेविडसन खड़ी है। कबीले से बनाए हुए इन्होंने, ये तंबू से लगाए हुए हैं, क्या बात है। यहाँ पर आपको लेदर की सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे शूज़ मिल जाएंगे आपको प्योर लेदर के, और पर्स वर्स सब कुछ मिल जाएगा। ओ असली बाइक्स तो यहाँ पर स्टार्ट हुई हैं, घुमा के दिखाता हूँ कैमरा, क्या बात है। शोकर देखो भाई इनके, मुझे पूछो तो भाई ये चलती हैं, यस भाई ये चलती हैं, चला के लेके आए ये लोग भाई, इनके इंजन क्या बात है भाई, क्या कलाकारी करी है इन्होंने। और मैंने जस्ट अभी एक चीज़ नोटिस करी यहाँ पर, और इनका जो हैंडल है भाई जहाँ से बाइक चलती है, ना मेरे को ब्रेक दिख रही है ना मुझे रेस दिख रही है, और इसके अंदर ही कोई जुगाड़ है ब्रेक वाला और रेस वाला भाई मुझे लग रहा है। एक ये नीचे पैडल दिया हुआ है ब्रेक के लिए, तो बड़ी यूनिक सी बाइक है यार, मेरे को तो मैं तो हिल गया यार। कबाब वाला है जहाँ से मैं कबाब खाता हूँ, ये भाई ने यहाँ स्टॉल लगाई पर मैं इसका कबाब खाता था, वहाँ पर इसने 3 दिन की छुट्टी करी है। एक्चुअली मैं अभी कुछ खा नहीं रहा, डाइटिंग पे ही हूँ भाई,
और चलो फिर भी ले लेते हैं, थोड़ा खा लेंगे, थोड़ा अपने किसी दोस्त को दे देंगे। और इसका भाई कबाब बहुत ज़बरदस्त होता है, या अगर आप कभी भी आओगे ना, आपको मैं कैसे इसका एड्रेस समझाऊंगा, आप प्रीवियस व्लॉग देख लेना मेरे, लॉकडाउन के टाइम भाई इसने रात को इसके पास ही जाते थे कबाब खाने, और 60 बाट का कबाब होता है, बट ये यहाँ पर थोड़ा सा 5 कबाट महंगा करा हुआ है इसने। तो भाई कबाब तो ले लिया था, और अब मेरे को समझ लग रही लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है। तो लेफ्ट भी भाई बहुत तगड़ी मार्केट है, और राइट भी भाई, चलो राइट ही चलते हैं, कीड़े मकोड़े भी सेल कर रहे हैं भाई ये लोग। और ये जो मार्केट है भाई, रात के मतलब मिडनाइट तक मतलब होने वाली है, और आपको घुमा के भाई विंटेज कार दिखाता हूँ। और देख सकते हो भाई ये है जीप है ये, और ये तैयार करी हुई है जीप। इसके टायर देख सकते हो भाई, बाहर की तरफ है इसके टायर। ओहो क्या बात है, ये भाई कोई गोरा है, गोरे ने रखी है। ओहो तैयार करवाई इसने पूरी भाई ये जीप। उसके टायर देखो कितने चौड़े हैं यार, वाह क्या बात है, पता लगता है भाई रोड पे कुछ चल रहा है। ठीक है, आज के व्लॉग का यहाँ पर ही एंड करते हैं, बहुत जल्द मिलते हैं आपको बहुत जल्द नए व्लॉग के साथ।